खानदान बलकसूर भी लोगों सीधी सुतोला विधानसभा में आपके दरमियान में रहकर आपकी तकलीफ को दूर करने का काम करेगा। मैं कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने का वादा नहीं कर रहा हूँ। जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मुकाम दिया, इसीलिए दिया कि मैं गरीब और मजलूमों का साथ दूं, और हम वो काम करते रहेंगे। आपको एक और सियासी ताकत का बताता हूँ। अख्तर भाई बैठे हुए हमारे प्रदेश बिहार के सदर, जनता दल का, नीतीश कुमार की पार्टी का एक मेंबर, उसको लोग गुंडाई लोग पकड़कर उसकी जान ले लिए। पूरी ऐवान असेंबली को अख्तर अली मान हिलाकर रख दिए, अपने घर को गए, उस पीड़ित परिवार के घर को गए, उसके घर वालों से मिला, उसकी बेवा को अख्तर अली मान ने बाजू बिठाकर सरकार से यह मुतालबा किया कि मरने वाले को एक करोड़ रुपया मिलना चाहिए। मरने वाला तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर की पार्टी का था। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में एनपीआर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लाना चाहती थी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक बिहार की विधानसभा में खड़े होकर वहां की सरकार को कह दिया, अगर एनपीआर एनआरसी बिहार में शुरू होगा तो अख्तर अली मान पूरे पटना को जनता से भर देगा, यह काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर लोग बोलते कि तुम्हारे पांच विधायक जीते बिहार से, तुम सत्ता में नहीं हो। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिन विधानसभा से मजलिस के पांच विधायक जीते, जहां बरसों से गांव में काम नहीं हो रहा था, आज वहां पर विकास का काम हो रहा है, जनता खुश है वहां पर। तो ये हमेशा बोलना कि सत्ता मिलेगी, सत्ता जब मिलती है ना किसी को तो उसकी जेब मोटी होती है, गरीब का फायदा नहीं होता। सत्ता जब आप देते हैं तो उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि डर कर काम कराया जाए। बैठा जाकर एसडीएम के पास, डीएम के पास, एसपी के पास कि या तो मुझे तुम जेल में डालो या गरीब से इंसाफ करो। ये काम मजलिस करके आई और करेगी तो में भी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फिर हमारे ये जो समाजवादी के लोग, बसपा के, कांग्रेस के लोग बोलते कि बताओ डॉक्टर मंदान और ओवैसी का क्या मामला है। अरे मैं तुमको आज किस सभा में खड़े होकर कह रहा हूं, बताओ अखिलेश और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी कौन से खानका के शेख के मुरीद है, बताओ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कौन से खानका के शेख के मुरीद है, और वो जो बसपा की मैडम है वो कौन सी पिरानी माँ है। याद रखो, अगर तुम बोलना शुरू करोगे तो हमारी जबान बहुत लंबी है, बहुत खोल देंगे, पूरा शीशा खोल देंगे तुम्हारा। और अगर तुम बात करते हो तसव्वुफ की तो सुनो, तसव्वुफ के माने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बताए थे कि तसव्वुफ वो है, सूफी वो है जो दुनिया में अल्लाह, जो दुनिया में मर चुका और अल्लाह के लिए जिंदा। वो सबक हमने खानकाह से सीखा, अब हमको सबक सिखाएंगे, आप बताएंगे हमको। तो बताओ फिर तुम जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हो कौन सी खानकाह का शेख है। डॉक्टर मंदान है, डॉक्टर है, इंसान है, तो पत्ता है आपके लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपको समझना है। और हम यहां के साबिका विधायक अनवर हाशमी साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला उनको सेहत दे और उनकी मसायब और मुश्किल से अल्लाह उनको राहत दे। वो हमारे पार्टी के नहीं है, मगर हम कैसे नाम भूल जाएं। यही तो ओवैसी की लड़ाई है, यही तो हमारी सोच है, यही तो हम, इसलिए हमको मतदान किया जाता है, जूते सामान लगा दिए जाते। मेरे भाई, औरंगाबाद में एमपी की सीट इम्तियाज जलील है। बोलते ये लोग क्या बोलते, ओवैसी आएगा तो बीजेपी भाजपा जीत जाएगी। भाग कहां भी करेंगे, औरंगाबाद में ये 20 साल का शिवसेना का एमपी था, कितने साल का था वो, शिवसेना सेकुलर है,
उसके एमपी को इम्तियाज जलील खड़ा हुआ तो औरंगाबाद की जनता को सलाम कि उन्होंने 21 साल के शिवसेना और भाजपा मिलकर